Hi guys. Welcome to my YouTube channel, MH4 Network. Please subscribe my channel, also don't forget to click bell icon. Thanks. एक सौ रुपए वाले प्राइस बॉन्ड की ड्रॉ नंबर 31 क्वेटा में मुनाकिद की गई थी। इसके फर्स्ट और सेकंड प्राइस की डिटेल हमें मौसूल हो चुकी है, तो मैं डिटेल दिखाने से पहले ऐसे नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बर्वक्त मिल सके। जी नाज़रीन, इस वक्त आप स्क्रीन पर फर्स्ट प्राइस जीतने वाले खुश नसीब का नंबर देख रहे हैं। जिन हजरात के पास इन नंबर्स के प्राइस बॉन्ड मौजूद होंगे, इन्हें 7 लाख रुपए इनामी रकम मिलेगी। फाइलर हजार से 15% टैक्स कटने के बाद इनामी रकम 5,95,000 रुपए बाकी बचेगी और नॉन फाइलर हजार से 30% टैक्स डिडक्शन के बाद 4,90,000 रुपए इनामी रकम बाकी बचेगी। नाज़रीन, अब आप स्क्रीन पर सेकंड प्राइस जीतने वाले 3 खुश नसीबों के नंबर देख रहे हैं। जिन हजार के पास इन नंबर्स के प्राइस बॉन्ड मौजूद होंगे, इन्हें 2 लाख रुपए इनामी रकम मिलेगी, 15% टैक्स डिडक्शन होगी। फाइलर हजार से 1,70,000 रुपए बाकी बचेगी इनामी रकम और नॉन फाइलर हजरात से 30% टैक्स डिडक्शन के बाद 1,40,000 रुपए इनामी रकम मिलेगी। इस वक्त थर्ड प्राइस की कुरानदाजी जारी है। जैसे ही थर्ड प्राइस की कुरानदाजी मुकम्मल होगी, हमारे चैनल से मुकम्मल कुरानदाजी के नतीजे भी अपलोड कर दिए जाएंगे। आमतौर पर शाम को 7 से 8 बजे तक मुकम्मल कुरानदाजी के नतीजे अपलोड कर दिए जाते हैं। तो आखिर में एक दफा फिर रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो आने तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं सेविंग चैनल। नाज़रीन, आज हमारी वीडियो जो है वो ऑन रिक्वेस्ट बनाई जा रही है, अपलोड की जा रही है। बेसिकली ये रिक्वेस्ट मुझे 2 दिन पहले एक ओवरसीज पाकिस्तानी भाई हैं, हमारे मलाशिया में रहते हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। उनकी रिक्वेस्ट ये आई थी कि जो मैं लुबेल बाब आपको बता रहा हूँ कि उनके फादर की इन्वेस्टमेंट थी पाकिस्तान नेशनल सेविंग्स में, तो उसमें जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी तो उसमें उनकी डेथ हो गई है अप्रैल 2020 में। अब अप्रैल 2020 में डेथ होने के बाद पाकिस्तान में तो वो खुद मौजूद नहीं है, पाकिस्तान में उनकी 2 सिस्टर्स रहती हैं, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि नेशनल सेविंग्स के जो विरासत जो नॉमिनेशन वाले रूल्स हैं वो तब्दील हो गए हैं। और इसके अलावा एक और भाई साहब हैं हमारे आसिफ मुगल साहब, उन्होंने कल मेरी एक वीडियो पर कमेंट किया था और उन्हें मैंने कहा था कि वीडियो अपलोड कर दी जाएगी इस बारे में। तो उनकी कोई क्यूरी ये थी कि विरासत में जो इसका नाम हो उसी को रकम मिलनी चाहिए, सारी औलाद को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि रकम अगर किसी एक औलाद की हो तो आगे सवाल निशान डाला हुआ है, प्लीज कोई तरीका।